इट्स रेसिंग टाइम। हेलो गाइस, माय नेम इज पूनम तन एंड यू वाचिंग रेसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं WWE मनी इन द बैंक के बारे में, जहां पर WWE ने एक टाइटल मैच को अनाउंस कर दिया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पता, WWE हेल इन अ सेल से पहले रोमन रेंज की फ्यूड मिस्टीरियो फैमिली से चली थी, जहां पर रोमन रेंज ने स्मैकडाउन के एपिसोड में मिस्टीरियो को एक हेल इन अ सेल मैच में हराया था और ऐसा लग रहा था कि इनकी फ्यूड खत्म हो चुके, लेकिन ऐसा नहीं है। दो हफ्ते पहले वे स्मैकडाउन के एपिसोड में एज रिंग में आ जाते हैं और वो रोमन रेंज को बुलाते हैं, और रोमन रेंज के कुछ देर बाद जिमी उस और जेउस भी आ जाते हैं। उसके बाद डोमिनिक और रे मिस्टीरियो आ जाते हैं और वो जिमी उस और जेउस पर अटैक कर देते हैं और रोमन रेंज और एज की राइवलरी भी देखने को मिलती है। इसी के चलते इस हफ्ते वे स्मैकडाउन के एपिसोड में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था। इसी मैच के दौरान WWE ने अनाउंस किया कि डोमिनिक और रे मिस्टीरियो अपने टाइटल को द उसोज के खिलाफ WWE मनी इन द बैंक में डिफेंड करने वाले हैं। गाइज, अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में बताना ना भूले। आज का वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।